बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कोल्सलो। ये बहुत ही मजे का बनता है, हर फास्ट फूड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें जो जो चीजें चाहिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कप जो है कैबेज ले लिए, बहुत बारीक इसको मैंने कट कर लिया है। कैरेट्स ये मैंने 1 कप ले लिया है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया। क्रीम मैंने यहाँ पे 1/2 कप ले ली है। मायोनीज, ये मैंने मायोनीज 3/4 कप ली है। ये घर की बनी हुई है, होम मेड है, आप इसका टेक्सचर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दूंगी, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। होम मेड है और इसका टेक्सचर भी आप चेक कर सकते हैं कितने जबरदस्त बना। यहाँ पे मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने शुगर ले ली है। आप कस्टर्ड शुगर भी ले सकते हैं, रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर शुगर लेंगे तो आपने बस उसको बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है, तो वो ताकि अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अब आपने बस एक बड़ा सा बाउल लेना है, बहुत सिंपल इसकी रेसिपी है। इस बाउल के अंदर आपने ये मायोनीज, इसके बाद आपने ये जो क्रीम आपने ली है वो डाल देनी है, और यहाँ पे मैंने शुगर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ये डाल दिया। इस विस्क की मदद से बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा ब्लैक पेपर या सॉल्ट का थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट कर लें, और इसके बाद आपने जब ये बहुत अच्छे तरीके से बीट हो गई है, अब मैं इसके अंदर ये कैबेज और ये कैरेट्स ये डाल दूंगी। सिंपल, बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी। मैं इसको स्पून की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से। कोल्सलो रेडी हो गई है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दिएगा कि ये कैसी बनी है। और आप इसको किसी भी फास्ट फूड के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मजे की लगती है ये। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।